Hello, this is Shankar Vedia. Welcome to my YouTube channel Vedia Classes. और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है मशीन डिजाइन, और जो चैप्टर है वो हमारा है क्या, की एंड कपलिंग. और इस चैप्टर के अंतर्गत जो लेक्चर हमने जो दिया है वो अभी तक दो लेक्चर हुए हैं और आज ये इसका तीसरा लेक्चर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. जो आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो जो टॉपिक कवर होगा वो आपका जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट है आपका फ्लैंज कपलिंग, सेकंड है आपका अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, और थर्ड है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, फोर्थ इज डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग, फिर इसके बाद फ्लेक्सिबल कपलिंग, उसके बाद बूस्ट पिन टाइप कपलिंग, उसके बाद डिजाइन ऑफ बूस्ट पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग, और इसके बाद हम लोग थोड़ा रिविजन कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा फ्लैंज कपलिंग. जैसे कि कपलिंग हम लोग पढ़ चुके थे, दो तरह का कपलिंग फर्स्टली था, पहला रिजिड और दूसरा फ्लेक्सिबल. तो रिजिड में हम लोग दो कपलिंग पढ़ चुके हैं, मफ कपलिंग और स्प्लिट मफ कपलिंग, और इसमें रिजिड का जो तीसरा टाइप है वो आपका है फ्लैंज कपलिंग. रिजिड कपलिंग वो होता है जिसमें जो शाफ्ट कपल्ड होते हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट में होते हैं, मिसअलाइनमेंट नहीं होता है. तो इसमें भी जो शाफ्ट होगा वो प्रॉपर अलाइनमेंट यानी एक सीध में होंगे. तो फ्लैंज जैसा है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक फ्लैंज होगा. तो वो फ्लैंज क्या होता है, वो एक कास्ट आयरन, जो जो आप यह देख रहे हैं ये एक कास्ट आयरन का बना होता है, उसे हम लोग फ्लैंज कहते हैं, जिसका जिसमें जो शाफ्ट का एक एंड होता है वो इसमें इंसर्टेड होता है, और वो जो है की के साथ इसमें फिक्स होता है, और इसको फिर ये दोनों फ्लैंज को आपस में जोड़ते हैं और फिटेड करते हैं नट और बोल्ट के द्वारा. तो फ्लैंज कपलिंग एक कपलिंग का टाइप है जिसका यूज शाफ्ट रोटेटिंग शाफ्ट के बीच में करते हैं, जो कि फ्लैंज कंसिस्ट करता है. यानी जो कपलिंग होगा उसमें क्या होगा, फ्लैंज. ये जो आप देख रहे हैं वो आपका क्या है, फ्लैंज. वन ऑफ विच इज फिक्स एट द एंड ऑफ इच शाफ्ट. प्रत्येक शाफ्ट का एक एंड पे या एक फिक्स होगा. द टू फ्लैंजेस बीइंग बोल्टेड टुगेदर, मतलब दोनों फ्लैंज एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा किससे, नट एंड बोल्ट से. वन ऑफ द फ्लैंज हैज प्रोजेक्टेड पोर्शन एंड द अदर फ्लैंज हैज ए कोरस्पॉन्डिंग रिसेस, मतलब एक पोर्शन जो है प्रोजेक्टेड होगा दूसरा में, मतलब इसमें जो है नट, एक में बोल्ट लगाएंगे एक में नट लगाएंगे. तो द फ्लैंज कपलिंग इज एडेप्टेड टू हैवी लोड्स. जो फ्लैंज कपलिंग होता है उसमें हैवी लोड करने सहने का क्षमता होता है, इसलिए इस कपलिंग का यूज हम लोग लार्ज शाफ्टिंग, मतलब ज़्यादा बड़ा शाफ्ट का है शाफ्ट है उसको कपल करने के लिए करते हैं. तो जो फ्लैंज कपलिंग है उसमें भी हम लोगों का तीन टाइप्स आता है, पहला अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, सेकंड है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, और थर्ड है मैरिन टाइप फ्लैंज कपलिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये फ्लैंज कपलिंग कैसा दिखता है. तो ये आपका फ्लैंज कपलिंग है, देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में फिगर में, ये जो पोर्शन है आपका ये है आप फ्लैंज, ये दो फ्लैंज है, फर्स्ट हाफ आपको इधर दिख रहा है, फर्स्ट हाफ इधर है, इसको नट एंड बोल्ट से फिटेड करते हैं, फिट करते हैं, और ये आपका इधर का जो शाफ्ट हो गया और एक इधर शाफ्ट हो गया, दो शाफ्ट को कनेक्ट कर दिए, और ये शाफ्ट जो है कनेक्ट होता है की के साथ. देखिए ये जो है पोर्शन ये आपका की है. उसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मोटर है, वाटर पंप जो होता है उसको जोड़ने के लिए, मैंने मोटर और पंप को जोड़ने के लिए यहाँ पर कपलिंग का यूज किया जा रहा है. तो ये आपका कपलिंग है. तो अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग क्या होता है, तो इसमें अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग में प्रत्येक शाफ्ट जो है फ्लैंज के बूस में कीड होते हैं, मतलब कि ये जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रत्येक शाफ्ट जो बूस है यहाँ पर देखिए, ये जो बूस होता है इसको फ्लैंज का बूस कहते हैं, जिसमें कि शाफ्ट जो है इंसर्ट होता है, और किसके हेल्प से होगा यहाँ पर फिट, तो की के हेल्प से होगा.
एंड द फ्लैंज आर कपल टुगेदर बाय मीन्स ऑफ बोल्ट्स, बोल्ट्स और नट के द्वारा वहाँ दोनों को फ्लैंज को कपल करते हैं। जनरली जो इस फ्लैंज में है उसमें मैक्सिमम 4 या फिर 6 बोल्ट्स लगे होते हैं। एंड द की आर स्टेज्ड एट राइट एंगल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट इन ऑर्डर टू डिवाइड द वीकनिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय द की वेज। तो की होगा वह सर्कमफेरेंस, शाफ्ट के सर्कमफेरेंस पर लगा होगा ताकि जो है की वेज के द्वारा जो जो हमारा वहाँ पे जो शाफ्ट का वीक पॉइंट होता है उसको डिवाइड कर सके और उसके इफेक्ट को कम किया जा सके। तो द यूजुअल प्रोपोर्शन फॉर ए अनप्रोटेक्टेड टाइप कास्ट आयरन फ्लेंज कपलिंग, जो हमारा फ्लेंज कपलिंग होगा उसका किस प्रोपोर्शन में उसका डायमेंशन पैरामीटर होगा, उसका डिजाइन क्या होगा वो हम इसमें देखेंगे। तो यदि जो शाफ्ट का डायमीटर स्मॉल डी है, यदि शाफ्ट का डायमीटर, ये आपका शाफ्ट का डायमीटर है, एक शाफ्ट इधर एक शाफ्ट इधर दोनों को कपल करना है, तो यदि इस शाफ्ट का डायमीटर स्मॉल डी है तो जो हब का डायमीटर होना चाहिए वो होना चाहिए 2D, यानी दो गुना। अब क्या होगा, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हब है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है ये आपका फ्रंट व्यू है, तो जो डी होगा वो 2D होना चाहिए, ठीक है। और जो बोल्ट का जो नॉमिनल डायमीटर है वो डी वन है और जो हब का दो पार्ट में 1/2 इधर है हब, 1/2 इधर है, तो जो हब का एक हब का जो लेंथ होगा वह होगा L=1.5D, यानी इस शाफ्ट के डी, यानी इसके शाफ्ट के डायमीटर के रेफरेंस में लेना है, यानी जो हब का जो लेंथ होगा होना चाहिए वो 1.5D होना चाहिए। तो लेंथ 5D और पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स, यानी पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स, आपका ये बोल्ट हो गया, एक इधर बोल्ट हो गया, तो इसका जो पिच सर्कल डायमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो D1 होगा, वो कितना होना चाहिए 3D, ठीक है। उसके बाद आउटर साइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज, आउटर साइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज, सबसे आउटर साइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये आउटर साइड हो गया और ये आउटर साइड हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डायमीटर है, वो कितना होना चाहिए D2=4D, ठीक है। और जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का जो थिकनेस है हमारा, यहाँ पे थिकनेस होता है यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो थिकनेस है वो थिकनेस आपका होना चाहिए 0.5D। अच्छा, यहाँ पर आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज जो D2 है वो होगा क्या, वो कैसे आएगा, तो D1 + D1 - D, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो D1 + D1 - D, तब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जब D1, यहाँ आपका D1 है प्लस D1 + D1 - D, तो यहाँ पे जो D1 है आपका तो 2D1 - D हो जाएगा, और जो D1 है वो D1 कितने इक्वल के बराबर है, तो 3D, तो 3 × 2 यानी 6D - D, और जो कैपिटल D है वो इक्वल हो जाएगा 2D के बराबर, यानी आपका जो है 6D - 2D = 4D, दैट इज इक्वल टू 4D। एंड द थिकनेस ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का जो थिकनेस है TF क्या होना चाहिए, विच शुड बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो थिकनेस है ये फ्लेंज का थिकनेस होता है, तो ये जो इक्वल होना चाहिए 0.5D के नो। एंड द नंबर ऑफ बोल्ट्स, यहाँ पर बोल्ट्स कितने यूज होंगे, तो 3, 4D,
4D अप टू 40 mm, यदि D का वैल्यू कितना है 40 mm तक का है तो हम लोग 3 वोल्ट यूज करेंगे, और यदि D का वैल्यू 100 mm तक का है तो हम लोग 4 वोल्ट यूज करेंगे। तो ये आपका प्रोपोर्शन डिजाइन है फ्लेंज कपलिंग का, अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। अब आते हैं नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग में। इन ए प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग द प्रोट्रूडिंग बोल्ट्स एंड नट आर प्रोटेक्टेड बाई फ्लेंज ऑन द टू हाफ ऑफ द कपलिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड डेंजर द वर्कमैन। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसका जो बोल्ट होता है उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बोल्ट प्रोटेक्ट कर दिए हैं फ्लेंज से ही, ठीक है। इसका बस ये बेनिफिट है जो वर्कमैन होगा उसको खतरों से बचाया जा सके, मतलब जो ऑपरेटर होगा उसको नुकसान ना पहुंचे किसी भी तरह से, इसलिए इस बोल्ट को फ्लेंज से ही प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। बाकी जितना भी डायमेंशन है सेम ही रहेगा, यानी सिर्फ थिकनेस जो होगा वह डिफरेंट हो जाएगा, यानी इसमें जो थिकनेस होगा वो प्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग का जो थिकनेस होगा वो होगा 0.25 D, एंड द अदर प्रोपोर्शन ऑफ द कपलिंग आर सेम एज अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। सेम ही होगा जैसा कि अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग में होता है। तो हम लोग यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग का एक सिंपल डायग्राम दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ की है और एक ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है, जो शाफ्ट इसको घुमाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसमिट होगा, टॉर्क ट्रांसमिट करेगा उस वो कपलिंग के थ्रू। तो जो ये शाफ्ट जुड़ा होगा इस हब में वो की के साथ, की क्या करेगा इस शाफ्ट और हब को टाइट करके फिट करेगा, और ये हमारा फ्लेंज कहलाता है। एक फ्लेंज इधर हो गया, एक फ्लेंज आपका ये दो कलर में दिख रहा है आपको, और ये आपका नट एंड बोल्ट हो गया। ये छोटा सा पार्ट है उसको आपको आप नट कहते हैं, और जो लंबा सा इसमें थ्रेड बना हुआ रहता है उसे हम लोग बोल्ट कहते हैं, और ये आपका ड्रिवन शाफ्ट है। तो ये आपका 3D डायग्राम है, इसी का फ्रंट व्यू आपका यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें ज्यादा सारा प्रोपोर्शन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका हब हो गया, ये टोटल फ्लेंज हो गया, जो फ्लेंज का जो डायमीटर है D2 है वो 4D के इक्वल है। फिर जो जो पिच सर्कल डायमीटर है किसका, नट का यानी बोल्ट का, तो वो आपका D1 है 3D के इक्वल, और जो हब का डायमीटर है वो आपका डी इजकल टू 2D इजकल टू 2D के बराबर शाफ्ट है ये, और इसका जो लेंथ है हब का वो 1.5 D। तो हम लोग अब इसमें फ्रेंच कपलिंग का डिजाइन करेंगे, और डिजाइन के लिए आप सिंपल डायग्राम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपका थिकनेस है, यहाँ से आपका ये थिकनेस मिल जाएगा, यहाँ से आपका बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर है, और ये आपका शाफ्ट का डायमीटर डी है, यहाँ पर की लगा हुआ है जो हब को शाफ्ट से जोड़ता है फिट करता है। तो हम लोग इसमें इसका डिजाइन देखेंगे। तो ये आपका सिंपल फ्रंट व्यू डायग्राम है। तो कंसीडर ए फ्लेंज कपलिंग जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और हम लोग कंसीडर करते हैं जो स्मॉल डी है वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, और इनर डायमीटर ऑफ हब है, या फिर इनर डायमीटर ऑफ हब कह सकते हैं इसको, और कैपिटल डी आउटर डायमीटर ऑफ हब है। ये जो आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल डी है, जो इक्वल होगा 2D के इक्वल होगा, एंड जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ बोल्ट्स है। यहाँ पर ये बोल्ट्स, यहाँ पर दो ही बोल्ट दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर आप देख ही चुके बोल्ट्स और भी लग सकते हैं, 4 से 6 हो सकते हैं जनरली। और TF क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, जो फ्लेंज बना है जो उसका थिकनेस कितना होगा TF है उसको डिनोट करते हैं। बाकी यहाँ टाउ जो है टाउ S है, टाउ B है एंड टाउ K है, तो इसका बारी बारी से जो मीनिंग है वो अलेवेबल शियर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट, एस फॉर शाफ्ट, और टाउ में जानते हैं शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, तो शियर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट,
और जो के है, के से डिनोट किया गया की को, तो शियर स्ट्रेस ऑफ की। तो शियर स्ट्रेस किसका होगा? तो इस सब का मटेरियल का होगा, यानी शाफ्ट के मटेरियल का शियर स्ट्रेस टाउ एस है, और बोल्ट के मटेरियल का जो शियर स्ट्रेस है वो टाउ बी है, और की के मटेरियल का जो शियर स्ट्रेस है वो टाउ के है, और जो टाउ सी है वो अलाउेबल शियर स्ट्रेस फॉर द फ्लैंज मटेरियल, जो फ्लैंज पूरा बना हुआ है जो उस मटेरियल का अलाउेबल, मतलब इतना जो परमिट करता है शियर स्ट्रेस वो ये, यानी शेप स्ट्रेस ये है जिस टॉ सी। एंड सिग्मा सी बी अलाउेबल क्रशिंग स्ट्रेस, सी फॉर क्रशिंग एंड बी फॉर बोल्ट। तो क्रशिंग स्ट्रेस बोल्ट का सिग्मा सी बी एंड क्रशिंग स्ट्रेस की का सिग्मा सी के रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट वन है आपका डिजाइन। अब इसमें आपका जो भी एलिमेंट दिख रहा है उसका डिजाइनिंग करना है, यानी आपको यहाँ पर हब दिख रहा है, इसको हब बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका हब हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हब है, हब इज नथिंग बट ए होलो सिलेंडर हम लोग मान सकते हैं, जिसके अंदर ये शाफ्ट इंसर्टेड होता है। तो जो हब है उसका डिजाइन करना है। फिर आपको एलिमेंट दिख रहा होगा इसमें क्या, की, ये की, तो की का डिजाइन करेंगे। फिर आपको डिजाइन फॉर बोल्ट्स, फिर आपको इसमें क्या दिख रहा है, बोल्ट्स दिख रहा है, फिर इसका हम लोग बोल्ट का डिजाइन करेंगे, क्या इसका डायमेंशन होना चाहिए और क्या इसमें स्ट्रेस इंड्यूस होगा। और जो है आपको यहाँ पर बोल्ट्स का क्रशिंग स्ट्रेस चेक करना है। तो ये आपका मतलब फ्लेंज कपलिंग का डिजाइनिंग इस एलिमेंट का करना है, देखना। तो जो हब है, तो हब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसके थ्रू जो है टॉर्क ट्रांसमिटिंग हो रहा है। तो हब इज ए डिजाइन बाय कंसीडरिंग इट एज ए होलो शाफ्ट, ये होलो शाफ्ट है ट्रांसमिटिंग द सेम टॉर्क एज दैट ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, मतलब ड्रिवन शाफ्ट से ड्राइविंग शाफ्ट में अब टॉर्क को हब के थ्रू ही ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो हॉलो शाफ्ट है उसका जो टॉर्क का फॉर्मूला है, आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा वो होगा टी इक्वल टू पाई अपॉन 16 इंटू टॉ सी एंड डी फोर, कैपिटल डी फोर माइनस स्मॉल डी फोर डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो द आउटर डायमीटर ऑफ हब इज यूजुअली टेकन एज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, जो आउटर डायमीटर आप उसमें देख चुके हैं कि जो आउटर डायमीटर होगा वह शाफ्ट के डायमीटर का दो गुना लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं। ये जो आपका आउटर डायमीटर हब का, ये कैपिटल डी इक्वल टू 2d लेते हैं, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड द लेंथ ऑफ द हब l इज टेकन एज 1.5d, पहले देख चुके हैं यहाँ पर जो हब का जो लेंथ होगा वह क्या हो जाएगा 1.5d। तो ये आपका डिजाइन ऑफ हब हो गया। जनरली हम लोग को इसमें टॉर्क का फॉर्मूला आपको निकालना है, और उसमें से जो जो आपका शियरिंग स्ट्रेस हो गया, इंड्यूस शियरिंग स्ट्रेस, उसको आपको चेक करना होता है कि कितना हम लोगों का शियरिंग स्ट्रेस है, ताकि उस स्ट्रेस पे वह एलिमेंट हब जो है फेल ना करें। तो ये आपका डिजाइन हो गया हब का, किस तरह से डिजाइन करेंगे। उसी तरह आपका है कि की का डिजाइन कैसे करना है। तो की का डिजाइन जैसे सेम होता है, जैसे कि हम लोग उसमें मफ कपलिंग में पढ़े हैं या फिर स्प्लिट मफ कपलिंग में पढ़े हैं, तो डिजाइन जो है सेम प्रोपोर्शन में ही होता है, जैसे कि जैसा कि मफ या फिर स्प्लिट मफ कपलिंग में होता है। तो स्प्लिट मफ कपलिंग में क्या था की का डिजाइन, तो देखिए यहाँ का की का डिजाइन ये था कि जो सिग्मा सी अपॉन टू टॉ इजकल टू डब्लू अपॉन टी, जहाँ डब्लू क्या है आपका, डब्लू है विथ और टी है थिकनेस, किसका, की का। तो यदि हम लोग इस प्रोपोर्शन से ही हम लोग विथ और थिकनेस को निकालते हैं कि उसमें यदि सिग्मा सी का वैल्यू रख दिए, टॉ का वैल्यू रख दिए कि इस स्टेज पे यह
सेटिस्फाई करता है, तो उस वैल्यू पर W और T का वैल्यू क्या होगा जो इस इक्वेशन को संतुलित करेगा, उस हिसाब से हम लोग W और T का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी तरह जो लेंथ का वैल्यू होगा तो लेंथ का भी वैल्यू 3.5D/2 इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम लोग की का डिजाइन कर लेते हैं। उसी तरह और क्या था की का डिजाइन करने के लिए, टॉर्क। जो तो टॉर्क होगा तो एक की के ऊपर शेयरिंग भी होता है, की के ऊपर क्रशिंग भी होता है, मतलब वो एंगल से क्रश शेयरिंग हो रहा है और क्रश भी हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको एरिया लेना है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया। तो फोर्स के लिए आपको, यदि आपका स्ट्रेस दिया हुआ है तो स्ट्रेस इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका हुआ फोर्स हो गया। तो इसमें एरिया जब शेयरिंग है तो एरिया क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एल इनटू डब्लू और इनटू टॉ, ये शेयरिंग स्ट्रेस है, D/2 ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज टॉर्क। और क्रशिंग के लिए क्या हो जाएगा, यदि क्रशिंग स्ट्रेस आपका सिग्मा सी है तो एरिया क्रश कहाँ पे हो रहा है, तो इफेक्टिव एरिया होगा वो एल इंटू T/2 पर होगा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा D/2। तो जो की का जो डिजाइनिंग करने के लिए आपको जो चाहिए, जो जो पैरामीटर यानी विथ और थिकनेस, आप इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं। एल आपको यानी लेंथ जो क्या होना चाहिए, आप इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो टॉर्क है वो आपको निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला से शेयरिंग के लिए निकालेंगे और इस फॉर्मूला से आपको क्रशिंग के लिए निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं की का। उसी तरह डिजाइन यदि बोल्ट का करना हो तो कैसे करेंगे, तो द बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। यहाँ पर बोल्ट ही है, बोल्ट के ही कारण क्या है, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, और बोल्ट ही दूसरे फ्लेंज पर टॉर्क को ट्रांसमिट करता है, और फिर दूसरे फ्लेंज से टॉर्क, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो टॉर्क आएगा फ्लेंज में जाएगा, इस फ्लेंज में, यह फ्लेंज में जाने के बाद यह इस बोल्ट में जाएगा, इस बोल्ट से होते हुए इस फ्लेंज में जाएगा, फिर इस फ्लेंज में से होते हुए इस हब में जाएगा, और इस हब के थ्रू इस की के माध्यम से इस ड्रिवन शाफ्ट में टॉर्क का ट्रांसमिशन होगा। इस तरह से आपका टॉर्क यानी ये जब घूमेगा ये शाफ्ट, तो ये शाफ्ट भी घूमेगा। तो जो जो बोल्ट का डिजाइन होगा वो क्या होना चाहिए, तो जो यहाँ बोल्ट है वो क्या है? इसमें कौन सा इंड्यूस होगा स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क ट्रांसमिशन हो रहा है। तो द नंबर ऑफ बोल्ट्स यानी एन, यदि कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए एन नंबर ऑफ बोल्ट्स है, तो यह डिपेंड करता है कि शाफ्ट का डायमीटर पर, कि शाफ्ट का डायमीटर कितना है, एंड द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स, और पिच बोल्ट का पिच सर्कल डायमीटर कितना है, वह कितना होता है, 3D। पिच सर्कल डायमीटर आपका क्या होगा, 3D होगा। तो जो कितना नंबर ऑफ बोल्ट्स इस फ्लेंज में लगेगा यह डिपेंड करता है कि वह शाफ्ट का डायमीटर कितना है, ज़्यादा डायमीटर का शाफ्ट होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ बोल्ट्स लगेगा। तो बोल्ट्स का डिजाइन के लिए ये सब देखना होगा। दूसरा है कि जब लोड इच प्रत्येक बोल्ट बोल्ट में लोड कितना लगेगा, तो लोड के लिए यदि प्रत्येक एक बोल्ट में यदि आपको शियर स्ट्रेस दे दिया जाए, तो लोड आप पता कर सकते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस आपका यदि वोल्ट पर सिग टॉ बी लग रहा है, यानी शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो अब उसका एरिया क्या हो जाएगा, π/4D1² चूंकि D1 आपका क्या है, बोल्ट का नोमिनल डायमीटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बोल्ट है उसका नोमिनल डायमीटर कितना है, D1 है। उसी तरह यदि टोटल लोड ऑन ऑल बोल्ट्स, अब टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना है, तो n है, तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो टोटल नंबर ऑल टोटल लोड ऑन ऑल बोल्ट्स निकल जाएगा। उसी तरह यदि आप टॉर्क निकालना चाहते हैं, तो टॉर्क क्या होता है, फॉर्मूला लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके टोटल लोड यानी टोटल फोर्स आपका ये है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल फोर्स के जगह टोटल लोड ये, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1/2। इस तरह से हम लोग टॉर्क जो आपका बोल्ट है उस पर टॉर्क कितना लग रहा है वो आप निकाल पाएंगे। दूसरा है कि डायमीटर ऑफ बोल्ट चेक इन क्रशिंग। अब इस बोल्ट में शियरिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, क्रशिंग भी होता है। तो क्रशिंग के लिए क्या होगा, यदि एन नंबर ऑफ बोल्ट है तो क्रशिंग का जो इफेक्टिव एरिया होगा वह क्या होगा, D1 नोमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, और TF थिकनेस यहाँ पर
कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रशिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थिकनेस कंसीडर कर लिए, इस तरह से आप एरिया निकाल लिए। यहाँ पे जब एरिया निकाल लिए तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द बोल्ट, यदि एरिया निकाल लें तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एरिया इंटू का स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेंथ आपका। इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेंथ है बोल्ट का, बोल्ट पर, वो आपका एन इंटू डी वन इंटू टी एफ इंटू सिग्मा सी बी डी वन बाई टू। इस तरह से क्रशिंग के कारण जो टॉर्क होगा वो आप निकाल लिए, और जो शियरिंग के कारण टॉर्क होगा बोल्ट में वो आप निकाल लिए। तो इस तरह से आप ये बोल्ट का डिजाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब हम आते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में, ये कंप्लीट डिस्कशन था आपका। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होता है, तो फ्लेक्सिबल कपलिंग उसमें जो रिजिड कपलिंग था उसमें जो दोनों शाफ्ट थे वो दोनों शाफ्ट प्रॉपर अलाइनमेंट में थे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में थे, उसमें मिस अलाइनमेंट नहीं था। लेकिन जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है उसमें उसमें जो शाफ्ट होगा वह मिस अलाइंड होगा, मिस अलाइंड होगा यानी एंगुलर मिस अलाइंड होगा। यानी फ्लेक्सिबल कपलिंग आर यूज टू ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर व्हेन द टू शाफ्ट हैविंग बोथ लैटरल एंड एंगुलर मिस अलाइनमेंट। बस ये आपको याद रखना है कि जो रिजिड कपलिंग होगा उसमें दोनों शाफ्ट अलाइनमेंट में होंगे, जबकि फ्लेक्सिबल कपलिंग का दोनों शाफ्ट किसी एंगल पर मिस अलाइंड होंगे। तो जो फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर जो टाइप्स है वो आपका है बूस्ट पिन टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्ड हैम कपलिंग। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बूस्ट पिन टाइप कपलिंग पढ़ना है, बूस्ट पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है। तो ये एक क्या है कि प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग का मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड रूप है, उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया है और सेम है प्रोटेक्टेड टाइप के जैसा है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया है। तो वो मॉडिफाई क्या है, तो इसमें रबर बोस एंड पिन का यूज होता है इन प्लेस ऑफ बोल्ट्स, बोल्ट्स के जगह पर रबर बोस और पिन्स का यूज हो रहा है। द कपलिंग कंसिस्ट ऑफ टू फ्लेंजेस, द कपलिंग दो फ्लेंजेस होगा, उसमें भी दो फ्लेंजेस कंसिस्ट कर रहा था, इसमें भी दो फ्लेंजेस कंसिस्ट होगा, वन केड टू द इनपुट शाफ्ट एंड द अदर टू द आउटपुट शाफ्ट। एक इनपुट शाफ्ट में होगा कीड किया हुआ रहेगा, जबकि दूसरा आउटपुट शाफ्ट में कीड किया गया रहा होगा। द टू फ्लेंजेस आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ फोर और सिक्स पिंस, उसमें बोल्ट्स था इसमें पिंस आ गया, और पिंस में कैसा, पिंस के साथ क्या होगा, रबर बोस होगा। तो वन एंड द पिन इज फिक्स टू द आउटपुट फ्लेंज बाय मीन्स ऑफ नट, नट के साथ उसको उस पिंस को फिक्स करते हैं। द डायमीटर ऑफ द पिन इज इनलार्ज इन इनपुट फ्लेंज वेयर ए रबर बोस इज माउंटेड ओवर द पिंस, और जहाँ पे पिन होगा उसके ऊपर जो है रबर बोस माउंटेड होता है। एंड द रबर बुश इज प्रोवाइडेड विद द ब्रश लाइनिंग एट द इनर सरफेस, और इस लाइनिंग के कारण ही जो इनर सरफेस रबर बुश के कारण का जो इनर सरफेस का वियर और टीयर होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, और जो पावर का ट्रांसमिशन होगा पहले इनपुट से इनपुट फ्लेंज इनपुट शाफ्ट से इनपुट फ्लेंज में जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, की के थ्रू जाएगा, एंड इट इज देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इनपुट फ्लेंज टू द पिन्स। आप यहाँ देखिए कि मान लीजिए ये इधर से पावर आ रहा है, तो सबसे पहले जाएगा आपका इस शाफ्ट से, इस शाफ्ट से होते हुए जो इसका की होगा, यहाँ पर ये की देख रहे हैं, ये की मान लीजिए इधर से पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो शाफ्ट से की के थ्रू फ्लेंज में गया, और फ्लेंज के थ्रू इस रबर बुश में गया, और इस रबर बुश के सहारे से दूसरे फ्लेंज में गया, और इस फ्लेंज से इस हब में गया, हब से फिर इसका जो की होगा उससे की के थ्रू इस शाफ्ट में ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह से पावर का ट्रांसमिट होता है बुश्ट पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग में। द पिन देन ट्रांसमिट द पावर इनटू द आउटपुट फ्लेंज बाय शियर रेजिस्टेंस
Finally, power is transmitted from the output flange to the output shaft through the key. समझे? यहाँ से पावर इसमें की में गया, की से हब में गया, हब से फ्लेंज में गया, फ्लेंज से आपका इस पिन में गया, इस पिन के थ्रू इस फ्लेंज में गया, इस फ्लेंज के साथ इस हब में गया, इस हब से फिर इस की में गया और इस की से इस शाफ्ट में गया। तो इस तरह से पावर का ट्रांसमिशन होता है। एंड नेक्स्ट जिस तरह आपका जो बूस्ट पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग है वो आपका इस तरह से दिखता है। जो 3D डायग्राम है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये एक जो आपका पिन है उसके ऊपर ये रबर लगा हुआ रहता है जो इसको कनेक्ट करता है और इसी रबर के कारण ये क्या हो जाता है फ्लेक्सिबल होगा। यानी ये रबर नहीं होता तो ये रिजिड होता और ये चूंकि रबर है इसलिए क्या होगा ये फ्लेक्सिबल होगा। तो ये फ्लेक्सिबल कपलिंग का काम करेगा। और ये आपका 3D डायग्राम है तो ये आपका फ्रंट व्यू है इसी का। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका डायमीटर है जो शाफ्ट का वो स्मॉल डी है और जो ये हब का डायमीटर है वो 2D है, फ्लेंज का डायमीटर D2 है जबकि हब का लेंथ है L। और एक चीज़ और है जो यहाँ पर जो टू हाफ्स है टू हाफ्स के बीच का जो गैप होता है वो हम लोग गैप छोड़ते हैं 5 mm का। ठीक है, गैप छोड़ते हैं यहाँ पर 5 mm तक का गैप छोड़ते हैं। और ये आपका जो है ये रबर बुश है इसके थ्रू ही पावर का ट्रांसमिशन इस दूसरे फ्लेंज के हाफ में जाता है और यहाँ से फिर इस शाफ्ट में जाता है। तो अब इसका आपको आपको फिर डिजाइनिंग करना है। तो डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग द बियरिंग प्रेशर ऑन द रबर और लेदर बुश शुड नॉट बी एग्जिस्ट 0.5 N/mm² ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्मॉल एल है लेंथ ऑफ बुश इन द फ्लेंज है जो फ्लेंज का जो लेंथ है फ्लेंज में जो बुश है उसका लेंथ एल है जबकि डायमीटर ऑफ बुश है D2 और जो बुश ऑन प्रेस बेयरिंग प्रेशर जो बुश पर जो बेयरिंग प्रेशर लग रहा है दैट इज इक्वल टू BAPB और जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो पिंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं N है और जो पिंस का पिच सर्किल का जो डायमीटर है वो है हमारा D1 जैसा कि डायग्राम में दिखा हुआ है। ठीक है, ये आप कंप्लीट जूम कर लेते हैं ये चीज़ पैरामीटर। अब हम लोगों को डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग क्या करना है कि जो कपलिंग है उसके थ्रू कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है। मेन हमारा फंडा यही है कि जो कपलिंग के थ्रू कितना हम लोग टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होगा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स किसके थ्रू लग रहा है तो यहाँ पर पिन में ही फोर्स लग रहा है, पिन के थ्रू ही ट्रांसमिट हो रहा है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर जो पिन्स है उसमें जो प्रेशर लग रहा है वो हम लोग मान लेते हैं PB लग रहा है। तो जो फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो पिन्स का जो डायमीटर है वो है D2 और इसका लेंथ जब L है तो ये टोटल इसमें जो फोर्स लगेगा वो PB इंटू D2 इंटू L। आप यहाँ देख लीजिए जो L है यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो L है ये L के थ्रू ही क्या हो रहा है पिन का लेंथ है इसी के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई यानी D2 इंटू L ये आपका एरिया हो जाएगा और उसको जो प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लोड निकल जाएगा। अब एक पिन का लोड इतना है तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ पिन कितना है N है, मैं इनसे मल्टीप्लाई कर दिए इस तरह से हम टोटल लोड निकल गया। अब जो है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स यानी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और W इंटू N इंटू D1/2 और W का आपका वैल्यू यहाँ पर यह है दिया हुआ है यानी टी टॉर्क इजकल टू PB इंटू D2 इंटू L इंटू N D/2। तो ये आपका टॉर्क कपलिंग के थ्रू जो टॉर्क ट्रांसमिटेड हो रहा है उसका फॉर्मूला निकल गया।
अब जब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू प्योर टॉर्जन इन द कपलिंग हाफ्स, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, यानी स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का जगह यहाँ लोड लग रहा है तो डब्ल्यू अपॉन एरिया, एरिया आपका पाई बाई फोर इंटू डी वन का स्क्वायर। डी वन हम लोग चूंकि टोटल यहाँ पर लिए हुए हैं तो डी वन आपका क्या है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डी वन है, ये आपका ये डी वन है, तो ये आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह द बोस पोर्शन ऑफ द पिन एक्ट एज ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एज्यूमिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड डब्ल्यू अलोंग द बोस, यानी जो जो हम लोग का बोस पोर्शन है उसको हम लोग एक कैंटिलीवर बीम मान लेते हैं और जिसका लेंथ एल हो, तो जब बीम में जूम कर लेंगे और ये जूम करेंगे कि जो वो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डब्लू, तो जो बेंडिंग मोमेंट का उस पिन पर क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा का लोड इनटू डिस्टेंस, तो डब्लू इनटू एल बाई टू प्लस फाइव एम एम। फाइव एम एम क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं 5 एम एम का गैप है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एल है और ये 5 एम एम है, तो टोटल लेंथ जोड़ दिए, तो ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट, उस पिन पर का बेंडिंग मोमेंट। अब उस पिन पर का जो बेंडिंग स्ट्रेस क्या लगेगा, अब बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए तो स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस आपका फॉर्मूला ये आपको पता होगा कि बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू एम अपॉन जेड होता है, तो जेड क्या है सेक्शन मॉडुलस है, और जो चूंकि पिन क्या है सॉलिड शाफ्ट है तो उसका जो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होगा वो पाई बाई 32 डी वन क्यू होगा, और जो एम है वो आपका बेंडिंग मोमेंट है, तो इस फॉर्मूला से आप लोग को बेंडिंग स्ट्रेस निकल गया किस पर, उस पिन पर। उसी तरह जब बेंडिंग स्ट्रेस निकल गया, बेंडिंग मोमेंट निकल गया, आपके पास शियर स्ट्रेस है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि 1/2 सिग्मा प्लस रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, तो ये आपको निकाल सकते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसी तरह मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फिर पिन पर क्या निकाल सकते हैं 1/2 रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, तो इस तरह से हम लोग उस पिन का डिजाइनिंग यानी फिर बूस्ट पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग का डिजाइनिंग कर सकते हैं। और बाकी बचा जो भी एलिमेंट, जैसे बूस्ट पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग में हब भी होगा, की भी होगा, फ्लैंज भी होगा, तो इस तरह से हम लोग ये फ्लैंज का, की का, हब का सेम डिजाइनिंग होगा जैसे कि हम लोग फ्लैंज कपलिंग में पढ़ चुके हैं। तो और दूसरी बात है कि आपका जो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है डिजाइनिंग के क्रम में, आपको यह देखना है कि ये जो वैल्यू है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वो वैरी करना चाहिए 28 to 42 मेगा पास्कल, यानी इसके बीच में ही उसका वैल्यू होना चाहिए डिजाइनिंग के लिए। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन जिसमें हम लोग सभी टॉपिक को लगभग कवर किए, और जाते जाते हम लोग एक सिंपल से कोट के साथ जाते हैं, जैसा कि यहाँ एक सिंपल कोट है, वो है कि ए बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री इज नेवर अफेयर ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग बिकॉज हर ट्रस्ट इज नॉट ऑन द ब्रांच बट ऑन इट्स विंग्स, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। सिंपल सा है कि जब एक चिड़िया जो है किसी पेड़ पर बैठी हुई रहती है तो उसे इस बात का डर नहीं होता है कि वह उसकी जो पेड़ की शाखाएं हैं वह टूट जाएंगी, क्योंकि उसको इस बात पर विश्वास होता है कि वह इसके टूटने पर भी वह अपने पंखों की मदद से उड़ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वह अपने आप पर ही आप सबसे पहले विश्वास करें, तो यही होता है कॉन्फिडेंस। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।